नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद और सिंगार गौरी मामले में एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई के दौरान वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या अन्य वैज्ञानिक पद्धति से जांच की मांग को वाराणसी के जिला जज ने खारिज कर दिया है। इधर इस फैसले से हिंदू पक्ष हनुमान मंदिर पहुंचा था और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। वहीं जिला जज की अदालत में मामले की कार्रवाई शुरू होने से पहले जमकर गहमागहमी थी। करीब 2:40 पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि मंगलवार को मुस्लिम पक्ष के प्रत्युत्तर को सुनने के बाद जिला जज अजय कृष्ण विश्वेस ने कथित शिवलिंग के परीक्षण के लिए आदेश को सुरक्षित कर लिया था। मुस्लिम पक्ष ने अपने प्रत्युत्तर में जिला जज के सामने मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर अपना पक्ष रखा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में कथित शिवलिंग के परीक्षण या कार्बन डेटिंग पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कार्बन डेटिंग पर सवाल किया गया। यह भी बताया गया कि कार्बन डेटिंग की मांग पार्ट ऑफ सूट नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने के सीलिंग का आदेश दे रखा है, लिहाजा अब वहां किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी बताया कि कथित शिवलिंग और आसपास तोड़फोड़ भी नहीं की जा सकती है। वहीं 7 अक्टूबर को हिंदू पक्ष ने अपनी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए दावा किया था कि वजूखाने में मिला शिवलिंग उनके वाद का हिस्सा है। वहीं याची राखी सिंह के जो वकील है वो बगैर तोड़फोड़ और बगैर कार्बन डेटिंग के पुरातात्विक सुरक्षा की मांग के समर्थन में दिखे। वकील शिवम गौड़ ने बताया कि वो अपनी बात पर कायम है और कथित शिवलिंग से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। आप सुनिए इस पूरे मुद्दे पर हिंदू पक्ष का क्या कहना है। 250 का एप्लीकेशन जो कार्बन डेटिंग या अन्य साइंटिफिक मेथड से टेस्ट के लिए कहा गया था वो एप्लीकेशन माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। माननीय न्यायालय ने कहा कि जो है उसमें चूंकि सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने का, इसलिए किसी भी प्रकार के टेस्ट से उस पर जो है क्षति होने के कारण है वो हो सकता है, और दूसरी बात आम जनमानस की भावना भी जो है वो को भी क्षति पहुंच सकती है, इसलिए कार्बन डेटिंग के एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया। 205 की मांग थी उसको खारिज कर दिया गया जी। अभी खारिज कर दिया, अभी फिलहाल इस स्तर पे कुछ नहीं होगा, मना कर। जैसा कि आप जानते हैं कि वाराणसी के सिंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पिछली तारीख को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सुनने के लिए 11 अक्टूबर को तारीख दे रखी थी। साथ ही साथ वादी महिलाओं से भी पूछा था कि किस पद्धति से कथित शिवलिंग की जांच कराई जानी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने वादी हिंदू पक्ष के 2 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। पहला, क्या कथित शिवलिंग की संरचना इस मुकदमे की संपत्ति का हिस्सा है या नहीं। दूसरा, क्या कोर्ट वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग जारी कर सकता है। तो कुल मिलाकर जो मामला है फिलहाल वो ये है कि हिंदू पक्ष को इस मामले में झटका लगा है, कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दी है। ये तो रही बात फैसले की, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद और सिंगार गौरी मामले में तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे यूपी तक पर। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।